ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं वीसी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी कि 10 जनवरी के लिए कौन सी हमारी इंट्राडे वॉच लिस्ट होंगी, कौन से शेयर बाइंग के लिए होंगे और कौन से शेयर सेलिंग के लिए होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी ऐड करने वाले। तो सिंपल सा तरीका, आपको कुछ लर्निंग करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जो इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है वो है HDFC। तो HDFC में जो ये जोन है अगर इसको ये ब्रेक करके प्रॉपर तरीके से अप निकल गया, बाद में हम इसमें बाइंग करेंगे तो वेट कीजिए, प्रॉपर एक बार जोन ब्रेक होने दीजिए। अगर ऐसा हो तो सडनली ब्रेक हो जाए तो थोड़ा रिट्रेस करेगा इस जोन के आसपास, तब बाइंग कर सकते हो। इन सिंपल, ये जो जोन है उसको ब्रेक करके ये प्रॉपर तरीके से अपर निकल जाएगा, बाद में ये हमारी इसमें बाइंग पोजीशन होगी। मैं ऐसा डबल साइड व्यू नहीं रखूंगा, अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ये इधर से नीचे आने का कोई साइन देता है तो आप सेल कीजिए। HDFC हमारे ओनली बाइंग के लिए, तो अगर इसमें मेरे को ये जोन ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब भी हम इसमें बाइंग करेंगे। तो HDFC जो आपका है वो बाइंग के लिए, तो बाय वॉच लिस्ट में इसको बना के रखिए। तो बाद में हम दूसरा स्टॉक देख लेते। तो दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैंने आगे भी डिस्कस किया, आज भी कर रहा हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हाल फिलहाल अपना क्या है कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकला है। मैंने इस बार भी इस आपको बोला था कि इधर आप वॉच लिस्ट में बना के रखो, अगर बाय साइड की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। लेकिन वही स्टार्टिंग में ये नीचे आ गए तो हमारी कोई ऐसी पोजिशन वहां नहीं बनी। इस बार भी ये रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है, तो देखते अगर मेरे को कल महिंद्रा एंड महिंद्रा में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो आपका क्या है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो इसीलिए मैं इसको बाइंग के लिए लेके जा रहा हूं। अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को भी पर्सनली मिलते तो मैं इसमें बाइंग करूंगा इंट्राडे के लिए। बाद में जो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी ये क्यों है? तो हिंदुस्तान लीवर अगर आप देख रहे हो तो आपको भी पता होगा ये कितने दिनों से एक क्या है कि एक रेंज में फंसा हुआ, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा। तो हाल फिलहाल क्या है कि एक रेंज में फंसा हुआ, तो नीचे एक लाइन मिल रही है, ऊपर से एक लाइन मिल रही है। तो आपको अगर ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है, आप इसे ट्रायंगल भी बोल सकते हो और वेज भी बोल सकते हो, तो देखो अगर आपको इसमें प्रॉपर तरीके से इसका ब्रेकआउट होने के बाद अपर जाता हुआ दिखे, प्रॉपर ब्रेकआउट की हम बात करें, तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखो। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में आने वाले थोड़े टाइम के बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो वॉच लिस्ट में बना के रखो। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आज जो दिन है हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, तो उस टाइम आप अगर बाय साइड का मूवमेंट कैचअप कर सको तो कैच कीजिए। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट आप देख रहे हो तो ये क्या है कि कितने दोनों से ये क्या है कि ट्रायंगल में फंसा हुआ आपको दिख रहा था, आज इसने क्या है कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया। मतलब क्या है कि कल ये क्या है कि एक नोक पे खड़ा था, आज इसने क्या है कि गैप अप के साथ इसका ब्रेकआउट करके एक थोड़ी अपसाइड इसमें देखने को मिली। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो। अगर कल आपको कोई बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कल कोई अपसाइड जाने का सिग्नल आपको मिलता है, तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजिशन बना सकते हो। तो जो हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट है वो बाइंग के लिए क्यों, तो नॉर्मली बात है उसमें आपको क्या है कि एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है इसीलिए। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो कौन सा है, तो बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है इन्फोएज नौकरी वाला। तो इसमें आप देख रहे हो तो कितने टाइम्स हो ये क्या है कि एक रेक्टेंगल चैनल में फंसा हुआ है, तो इसको भी आप कल लेके जाओ। क्योंकि देखो कोई स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देता है तो उसको एक मतलब एक अच्छा मूवमेंट मिलता है, तो कब देगा वो मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो आप इसको वॉच लिस्ट में लेके जाओ। जो ये क्या है कि ये पूरी चैनल में फंसा हुआ है, अगर ये चैनल को ब्रेक करके अपर साइड निकलता है, प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री लो, प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद ये अपर साइड निकलता है, तब आप अपनी बाइंग पोजिशन इसमें बना सकते हो। तो वॉच लिस्ट में लेके जाओ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। जो हमारा आखिरी एंड लास्ट स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। तो जो हमारा आखिरी एंड
लास्ट टोक है वो है टाटा ग्लोबल। अभी टाटा ग्लोबल क्यों है, तो टाटा ग्लोबल में आपको हाल फिलहाल क्या है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखता हुआ दिख रहा है 1 आवर्स के चार्ट पे। अगर आप इसे 1 डे पे करोगे तो भी असेंडिंग ट्रायंगल तो दिख रहा है, लेकिन जो ये लाइन है वो लाइन आपको क्या है कि आगे एक रेजिस्टेंस की तरह मिल रही है। तो ये भी है कि मैं एक बार इसको 1 डे पे शिफ्ट कर लेता हूं तो आपको पता चले कि आगे ये रेजिस्टेंस है। तो देखो ये लाइन देखो, इधर एक आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब ये अपना हाई है। तो हाई पे क्या है कि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट करके एक क्या है कि ट्रायंगल पैटर्न बना दिए। तो अगर इसका प्रॉपर तरीके से असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाता है तब आपको इसमें एक अच्छी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये आप पोजिशनल भी ले सकते हो और एक क्या है कि इंट्राडे में भी लेके जा सकते हो। अगर प्रॉपर एंट्री मिली तो आप इसमें कोई भी पोजिशन बना सकते हो। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाओ, अगर प्रॉपर एंट्री मिलती है बाइंग साइड की तब आप इसमें बाइंग साइड में जा सकते हो। तो ये थी हमारी वॉच लिस्ट, इसमें सभी स्टॉक बाइंग वाले हैं, मेरे को एक भी स्टॉक सेलिंग वाला नहीं लेके जा रहा हूं, मतलब मिला नहीं है जिसमें मेरे को लगे कि नहीं इसमें प्रॉपर सेलिंग है। तो ये सभी स्टॉक मेरे बाइंग लिस्ट में है। तो एक बार देख लेते कौन कौन से स्टॉक है। तो एक था HDFC, उसके बाद था M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट, बाद में नौकरी इन्फोएज, बाद में जो लास्ट देखा वो है टाटा ग्लोबल। ये कोई भी स्टॉक में से आपको एक भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाइंग साइड की तो भी आपका इंट्राडे का सक्सेसफुल डे जाता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी नहीं मिलती, कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी सभी में मिलती है। सभी में मतलब आप 4-5 स्टॉक लेके जा रहे हो तो उसमें से ऑलरेडी 3-4 में मिलती है। तो आपको देखना पड़ेगा जिसको आपको कंफर्टेबल ज्यादा हो, जिसमें आपको लगे श्योरिटी ज्यादा है उसमें आप अपने ट्रेड बना सकते हो। तो ये था हमारी ओर से छोटी सी इंट्राडे की वॉच लिस्ट। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।